हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सोजत 29 जुलाई कांग्रेस सेवा दल के संविधान के अंदर हर महीने अंतिम रविवार को ध्वज वंदन कार्यक्रम पाली जिला कांग्रेस सेवा दल के जिला मुख्य संगठक मोहन हटेला के नेतृत्व में मरुधर केसरी के पास गार्डन सोजत सिटी में ध्वज वंदन किया गया। इस दौरान झंडा फहराया गया, वहीं राष्ट्रीय ध्वज को सेवा दल की टुकड़ी ने सलामी दी, वहीं वंदे मातरम ध्वज गीत राष्ट्रगीत से संपन्न किया गया। अवसर पर विचार गोष्ठी का आयोजन भी रखा गया। विचार गोष्ठी को सोजत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रतन लाल सीरवी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मोहन लाल टाक, पूर्व उप जिला प्रमुख भीखाराम सीरवी, जिला कांग्रेस महासचिव हाजी लियाकत, मदन लाल पवार, सोजत ब्लॉक सेवा दल मुख्य संगठक दुर्गाराम डांगी, पाली शहर ब्लॉक सेवा दल मुख्य संगठक भेराराम गुर्जर, चंपालाल खेरवाल ने संबोधित किया। इस अवसर पर सुमेरपुर ब्लॉक मुख्य संगठक चंपालाल राजपुरोहित, रायपुर राजेश कुमार वैष्णव, मारवाड़ ब्लॉक मुख्य संगठक फुआ राम मीणा, मारवाड़ ब्लॉक महिला संगठक सलमा बानो पठान, रेशमा चावला, घनश्याम भाटी, मिश्रीलाल मुबारसा, रामचंद्र भाटी, विनोद चावरिया, मधुसूदन दवे, हाजी इंसाफ घोसा, भवर नागौरा, चिमन सिंह गुर्जर, अशोक चौहान, देवाराम चौकीदार, रामाकांत शर्मा, अमराराम अरमान साहू, तुलसीराम सोहनलाल, मोहम्मद इशाक, जयराम सहित सेवा दल के पदाधिकारी गण और कार्यकर्ता मौजूद थे। सोजत से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।